हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डी पी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम कल जो पेमेंट बनने वाला है स्पर्श सैनिक को 31/10/2023 में जो पेंशन उनकी आने वाली है 40% डीए के साथ आएगी। वो मतलब बोले तो पेंशन अलग आएगी और एरियर अलग आएगा। तो कुल टोटल उनको जो पैसा मिलने वाला है वो कितना मिलेगा वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो एकदम हमारा फिक्स तो होता नहीं है, एक अनुमान है। तो ऊपर नीचे 2-4-10 रुपये हो सकते हैं, तो उसके लिए आप क्षमा करना। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस से रहेगा, रैंक रहेगा, बेसिक रहेगा, जुलाई मंथ का 4% डीए जो पड़ा है वो कितना है, फिर वो टोटल एरियर कितना आना है अभी यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का, फिर टोटल पेंशन कितनी बनेगी। तो ये सीरियल रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 15 से 19.5 साल सिपाही सर हैं और इनका जो है बेसिक वो 18,807 रहता है। जो भी इनका 4% बनेगा वो 752 रुपये बनेगा, और जो भी इनका यहाँ पर 4 महीने का जो भी एरियर आ रहा है वो 3,008 रुपये आ रहा है, और इनका जो टोटल पेंशन है वो 26,706 रुपये बन रहा है। इसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर 20 साल का है तो सिपाही सर ही हैं, बेसिक है 19,013 रुपये, 761 का 4% है, 4 महीने का 3,044 है, टोटल है 26,998 रुपये। इसके बाद में यहाँ पर 20 साल से 24 साल का हैं सिपाही सारी हैं, 19,769 रुपये का उनका बेसिक है, 791 रुपये जुलाई मंथ का जो है डीए, 4 महीने का है 3,164 रुपये, टोटल है इनका 28,072 रुपये। तो इसके बाद में यहाँ पर 15 साल से 17 साल का नायक सर हैं, तो इनका जो है वो जो बेसिक है वो 20,107 है, 4 मंथ का जो भी यहाँ पर जुलाई का जो भी 4% बना है वो 805 रुपये बना है। मतलब बोले तो इसका हम लोग निकालते हैं 20,107 का 4% कितना निकला, तो वो यहाँ पे आपका 805 रुपये। अभी अगर यहाँ पे हम लोग 4 महीने का क्या देखते हैं, अभी एरियर कितना बनेगा तो 3,220 रुपये बनेगा। टोटल पेंशन जो बनेगी वो 28,552 रुपये बनेगी। इसके बाद में यहाँ पर जो भी पेमेंट है 17.5 साल का नायक सर का है, तो वो यहाँ पर बनता है 20,194 रुपये बेसिक है। जो अभी डीए है वो 808 रुपये बनेगा, और 4 मंथ का जो एरियर है वो 3,232 रुपये आने वाला है, और टोटल पेंशन है वो जो 28,675 रुपये आने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है 18 साल है, तो ये नायक सर हैं, ये बेसिक है इनका 20,307 रुपये, और आप लोग ये मान लीजिए 812 रुपये इनका निकल के आ रहा है डीए 4%, और 4 महीने का जो एरियर है वो 3,248 रुपये हैं, और टोटल पेंशन है वो 28,836 रुपये आ रहे हैं। अभी इसके बाद में 18.5 से 20 साल तक के लिए क्या है, तो रैंक नायक सर हैं, बेसिक यहाँ पर 20,969 रुपये हैं, जुलाई का 839 रुपये, और ये 4 महीने का जो एरियर है उनका 3,356 रुपये मिलने वाला है, पेंशन 29,776 रुपये मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ पर 20.5 से 21.5 साल तक नायक सर हैं, 21,244 इनका बेसिक है, 4% का डीए अगर निकालते तो 850 रुपये होता है, आफ्टर 4 मंथ का जो एरियर है वो आपका 3,400 रुपये है, और जिनका जो टोटल पेंशन है फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल पेंशन 30,166 रुपये बनता है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं, तो 23 साल से लेकर 24 साल की जो क्वालिफाइंग सर्विस है नायक सर की, अभी बेसिक है उनका 21,688 रुपये, जुलाई मंथ का 4% डीए निकालते हैं तो 868 रुपये बनता है, और 4 मंथ का जो एरियर आएगा वो 3,472 रुपये आएगा, टोटल पेंशन जो आएगी वो 30,797 रुपये आएगी। फ्रेंड्स इसके बाद में हम लोग आगे भी लिस्ट है तो उसको भी वॉच कर लेते हैं, क्रम वही रहेगा सीरियल हमारा जो पीछे था। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 15 से 19 साल तक हवलदार साहब हैं, तो उनका बेसिक है 21,782 रुपये, 4 मंथ का डीए जो है बनेगा वो 871 रुपये बनेगा, और जो एरियर बनेगा वो 3,485 रुपये बनेगा, टोटल पेंशन 30,930 रुपये मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर 19.5 से 21 साल तक जो हवलदार साहब हैं उनका बेसिक है वो 22,007 रुपये, जुलाई का जो डीए है 4% वो 880 रुपये है, 4 महीने का एरियर है 3,521 रुपये, टोटल पेंशन यहाँ पर 31,250 रुपये है। अभी इनका
21 साल से 22 साल हैं तो रैंक होल्डर साहब हैं, बेसिक है 22,144 रुपये, चार मंथ का वो सॉरी जो भी 4% डीए है वो 886 रुपये है, और चार मंथ का जो एरियर बनना है वो 3544 रुपये बनना है, और टोटल पेंशन जो बन रही है वो 31,444 रुपये बन रही है। फ्रेंड्स इसके बाद में यहाँ पर 22.5 से 26 साल का जो हवलदार साहब का रैंक है टेबल है वो बेसिक है उनका 22,257 रुपये, और उनका 4% है 890 रुपये, और फोर मंथ का जो एरियर है वो है 3511 रुपये, टोटल पेंशन 31,605 रुपये बनता है। एंड यहाँ पर 24 साल अगर जो भी क्वालिफाइंग सर्विस रहता है तो रैंक है हॉनरी नायक सुबेदार साहब, और बेसिक है उनका 23,750, और फोर मंथ का जो डीए है वो 950 रुपये है। अभी फोर मंथ का डीए एरियर जो बनता है उनका वो चार महीने का वो 3800 रुपये बनता है, टोटल पेंशन है 33,725 रुपये। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं आगे 24 साल का जो हॉनरी नायक सुबेदार साहब ही हैं तो इनका जो अगर बेसिक किन्हीं का है 24,400 रुपये तो उनका जो है 4% बनेगा 976 रुपये, और चार महीने का जो एरियर है वो 3904 रुपये बनेगा, टोटल पेंशन 34,648 रुपये बनेगी। एंड यहाँ पर जो 24 साल ही है और रैंक भी वही है तो अभी इनका जो है वो पेमेंट अगर जिनकी बेसिक है 24,825 रुपये तो उनका जो 4% का डीए है वो 993 रुपये आता है, और इनका जो पेमेंट जो एरियर आएगा वो 3972 रुपये आएगा, और टोटल पेंशन जो आएगी वो 35,251 रुपये आएगी। फ्रेंड्स इसके बाद में 26 साल हैं तो यहाँ पर रैंक हॉनरी नायक सुबेदार साहब हैं, तो उसके बाद में उनका जो बेसिक है वो 26,741 रुपये, उनका जो जुलाई मंथ का जो डीए बनेगा वो 1,070 रुपये बनेगा, फोर मंथ का यहाँ पर जो भी यहाँ पर एरियर आ रहा है वो 4,280 रुपये आ रहा है, टोटल पेंशन यहाँ पर 37,972 रुपये आ रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा अगला है वो है 26 साल नायक सुबेदार साहब हैं, 26,741 रुपये इनका बेसिक है, और अगर इतना है तो 4% डीए 1,070 रुपये बनता है, और फोर मंथ का जो इनका एरियर है वो 4,280 रुपये है, और टोटल पेंशन 37,972 रुपये है। फ्रेंड्स इसके बाद में यहाँ पर 28 साल के सुबेदार साहब हैं तो उनका अगर यहाँ पर 31,529 बेसिक है तो 4% 1,261 रुपये बनता है, और फोर मंथ का जो एरियर है वो आपका 5,044 बनेगा, और टोटल जो पेंशन है वो 44,771 बनेगी। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 32 साल के सुबेदार मेरे साहब, तो इनका 39,925 रुपये अगर बेसिक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनका जो फोर मंथ का डीए है वो 1,597 रुपये का यहाँ पर इजाफा होगा। इसके बाद में जो एरियर आएगा वो 6,388 रुपये आएगा, टोटल पेंशन जो आएगी वो 56,693 रुपये आएगी, और इनका जो 32 साल का है उनका हॉनरी लेफ्टिनेंट साहब का तो इनका है जो बेसिक है 41,351, और चार मंथ का जो डीए है वो 1,654 रुपये है, और एरियर जो है वो आपका 6,616 रुपये है, और टोटल पेंशन जो है वो 58,718 रुपये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं तब जाके ये टेबल तैयार की जाती है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर सपोर्ट किया करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, लाइक ज़रूर किया करो, चैनल सब्सक्राइब किया करो। फ्रेंड्स आपसे मैं फिर अगली वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।